नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा सिंह गौड़ इस क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। यह क्लास जो है जूनियर अकाउंटेंट का जो परीक्षा है आने वाले माह के अंदर जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली है उसके संबंध में बनाई गई है। सिलेबस जो है राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूर्व में जारी कर दिया है और सिलेबस को दो भागों में बांटा है और दूसरा भाग जो है उसके अंदर सारे सब्जेक्ट जो हैं उनको शामिल किए हैं, जिसमें आपके अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दो सब्जेक्ट हैं। इन दोनों सब्जेक्ट के संबंध में सिलेबस को जारी किया गया है और उन सिलेबस को आप सभी ने देख लिया होगा। हम अभी अकाउंटिंग के संबंध में जो भी सिलेबस में शामिल किए गए कंटेंट है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, उसके बारे में हम पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे और यह कम्प्लीट होने के बाद हम ऑडिटिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर आपको पता ही है कि दोनों ही सब्जेक्ट्स के कुल 50 क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे और हमें पूरी कोशिश करनी है कि इन 50 में से लगभग 45 से 48 क्वेश्चन आपके सही हो जाए। और उसके लिए मैं पूर्ण रूप से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और आपके जो प्रयास हैं उनके साथ हम लगे हुए हैं और हम आपको उतना अच्छा मैटर आपको उपलब्ध करवाएंगे और साथ ही कुछ प्रैक्टिस के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने कंटेंट में शामिल किए हैं उनकी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो निश्चित ही तौर पर आपकी मेहनत और हमारे द्वारा प्रदान की गई सामग्री और जो क्वेश्चन है उनके साथ अगर हम वर्क करेंगे तो निश्चित ही आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे और सिलेक्शन भी निश्चित तौर पर आपका तय है, होना ही है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग के बारे में जो हम आज इस क्लास में शामिल करेंगे वो क्या क्या कंटेंट हम इसमें शामिल करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। इस क्लास के अंदर हम अकाउंटिंग की बेसिक बातों को शामिल करना चाह रहे हैं। जैसे देखिए आप, यहाँ पर हमने सिर्फ अकाउंटिंग के मीनिंग, नेचर, फंक्शन, उसकी यूटिलिटी, यूजफुलनेस और ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में ही इस वीडियो को हम बनाएंगे। उसके इस कंटेंट्स से संबंधित हम सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे और इस कंटेंट के संबंधित जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं या बने हैं अभी तक विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में उसकी हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों शुरुआत करते हैं हम लेखांकन के अर्थ से। लेखांकन के बारे में जो है कहीं ना कहीं आपने जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो तो सुनते ही हैं पर जो नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इस वर्ड को सुना होगा, इसके बारे में कुछ जानकारी वो रखते होंगे। परंतु कुछ जानकारी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हमें चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट हो चाहे वो नॉन कॉमर्स का स्टूडेंट हो, उन दोनों को यदि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और अच्छे अंक लाने हैं और साथ ही सिलेक्शन लेना है तो उसे जो कि एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है और जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो डेफिनेशन वो आपको आनी चाहिए। तो वो हम आपको पीपीटी के थ्रू बता रहे हैं। देखिए लेखांकन का जो मीनिंग है समय समय पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूप में उसको डिफाइन किया है, फिर भी एक सामान्य रूप से जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है जो कि चूँकि हम जानते हैं कि लेखांकन व्यवसाय से जुड़ा है तो व्यवसाय से संबंधित लेखांकन का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो लेखांकन को व्यवसाय की भाषा के रूप में परिभाषित किया है, यानी ये कहा गया है कि लेखांकन है जो एक व्यवसाय की भाषा है। और भाषा का काम क्या होता है? भाषा का काम होता है इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना, सूचनाओं का संवहन करना। तो लेखांकन भी क्या करती है कि व्यवसाय से संबंधित जो भी आर्थिक या वित्तीय सूचनाएं होती है उनको कलेक्ट करती है, उनको अलग अलग भागों में वर्गीकृत करती है, उनको समराइज करती है और उनका रिजल्ट निकालती है और फिर जो सूचनाएं बनती है वो उनको उनके यूजर्स तक पहुंचाती है और देन उसके आधार पर डिसीजन लिए जाते हैं। तो अकाउंटिंग को इसी रूप में डिफाइन किया गया है कि यह क्या करती है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसका काम क्या है, व्यवसाय से संबंधित जो भी रॉ फैक्ट्स हैं, इनपुट है, उनको कलेक्ट करना, देन अकाउंटिंग प्रोसेस यानी एक प्रोसेस फॉलो करना
और उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद उससे रिजल्ट, उसका निचोड़ निकालना, उसका आउटपुट निकालना और उस आउटपुट का उपयोग उनके यूजर्स तक पहुंचाना। ये पूरा कार्य जो है, ये पूरी जो प्रणाली है, ये जो सिस्टम है, ये अकाउंटिंग है। इसके अंदर सारी चीजें आ जाती है। इसके अंदर रॉ फैक्ट्स या रॉ फाइनेंशियल डेटाज आ जाते हैं, अकाउंटिंग प्रोसीजर पूरा आता है। देखिए अकाउंटिंग अलग है, अकाउंटिंग प्रोसेस अलग है, अकाउंटिंग प्रोसीजर, अकाउंटिंग साइकिल, ये अकाउंटिंग से अलग है क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर हम इन चीजों को करते हैं और इन चीजों का, इन प्रोसेस को फॉलो करके ही हम रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो डेफिनेशन आपको यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही है। अब हम इस डेफिनेशन के अंदर तह तक पहुंचते हैं क्योंकि हमें हर एक चीज को, हर एक कंसेप्ट को समझना है, समझना है उसके बारे में, तब जाके हम क्या करेंगे, कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब आपका डीपली पूछा जाता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका हम हल निकाल पाएंगे और सही उत्तर दे पाएंगे कॉन्फिडेंटली। ऐसे ही नहीं तुक्का मार दिया, नहीं, कॉन्फिडेंटली आप जवाब दे पाओगे जब इसकी तह तक पहुंचोगे। ठीक है, चलिए हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए ये स्लाइड आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन को और अच्छे से समझाने में मदद करेगी। आप इसको देख सकते हैं, इस चित्र के अंदर हमने आपको बता रखा है कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, रॉ फैक्ट्स यानी इनपुट वाला पार्ट। किसी भी सिस्टम के अंदर इनपुट करना बहुत जरूरी होता है। अब यहां पर इनपुट किस चीज का होगा, क्योंकि हम लेखांकन जो है किससे जुड़ा है, व्यवसाय से जुड़ा है, तो हम यहां जो बात करेंगे किसकी बात करेंगे, व्यवसाय की, यानी व्यवसाय से संबंधित जो भी आर्थिक घटनाएं हैं। ये देखिए आप, यहां पर मैंने एक पॉइंट लिख रखा है, आर्थिक घटनाएं। ये पॉइंट आपको समझना होगा कि आर्थिक घटनाएं क्या होती है। आइए हम बात करते हैं आर्थिक घटनाएं। तो हम आर्थिक घटनाओं को समझने के लिए मैं आपको एक सेकंड, ये आपको वर्ड का पॉइंट दिख रहा होगा, आर्थिक मैंने जिनको आप क्या कर सकते हो, मुद्रा में माप सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अकाउंटिंग की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है जो कि स्टार्टिंग होती है आंकड़ों से, और आंकड़े कौन से होने चाहिए, पहला मुद्रा में मापे जा सकते हो, और दूसरा इसका जो पॉइंट हो क्या आता है, आपके व्यवसाय से संबंधित होने चाहिए। ये दोनों पॉइंट होने चाहिए, कोई भी आंकड़ा है जिनको मुद्रा मापा जा सके और जो कि व्यवसाय से संबंधित है, तब जाके वो क्या कहलाती है, आर्थिक घटनाएं कहलाती है। अब घटनाएं क्या होती है, अब देखिए जैसे मैं आपको यहां पर बताएं, अगर यदि हमें पूछा जाए, क्योंकि यहां से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ बन सकता है और कैसा बनेगा हम भी बात करेंगे। घटनाएं क्या है, घटनाएं का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं कहूं कि मैंने व्यवसाय के लिए क्या किया है, कोई असेट्स परचेज की। असेट्स क्या होती है, व्यवसाय से संबंधित। संपत्तियां क्या होती है, संपत्तियां वैसे हम टर्मिनोलॉजी में जाएंगे तो इसका पूरा एक स्वरूप है, परंतु सामान्य भाषा में अगर मैं बोलूं तो फिर संपत्तियां क्या होती है, जो व्यवसाय को चलाने के लिए प्रयोग में ली जाती है और जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट की जाती है। अब वो रेवेन्यू जनरेट यदि एक वर्ष से अधिक के लिए होती तो वो संपत्ति हमारे लिए क्या बनती है, फिक्स एसेट्स बनती है, और जो कि वो एक वर्ष से कम के लिए रेवेन्यू जनरेट करके देती है तो वो हमारे लिए करंट एसेट का रूप होती है। तो हमें उतना अभी उस पॉइंट में हम नहीं जा रहे हैं, मेन पॉइंट जब फिक्स एसेट्स की बात आएगी तब डिस्कशन करेंगे उसके बारे में, परंतु अभी असेट्स हमने अगर कोई खरीदी है बिजनेस के लिए, तो जब आप असेट्स खरीदते हो तो हम असेट जब खरीदेंगे तो असेट्स खरीदने के लिए हमें क्या करना होगा, मार्केट से जब हम असेट खरीदेंगे तो हमें पैसे भुगतान करने पड़ेंगे, भुगतान करना पड़ेगा इसके लिए।
भुगतान इसी करेंगे हम मार्केट में जो जिनसे हमने खरीदी उसके लिए भुगतान किया जाएगा। तो हम कहेंगे कि क्या हुआ है, एक लेन देन हुआ है। किसका हुआ है? असेट्स का लेन देन हुआ है। असेट्स आई है ना हमारे बिजनेस के अंदर जिसके लिए हमने भुगतान किया है। तो ये क्या हुई, एक प्रकार से एक घटना है कि व्यवसाय के अंदर संपत्तियों को हमने खरीदा। अब हम जैसे कहें कि 10,000 रुपये की कोई संपत्ति खरीदी, तो आप क्या कहोगे कि व्यवसाय के मालिक ने 10,000 रुपये मार्केट में दिए तब जाके कोई संपत्ति आई। तो ये लेन देन हुआ, मुद्रा में भी व्यक्त है और दूसरा साथ ही क्या है, व्यवसाय से संबंधित भी है। तो ये लेन देन जो है, ये आपके लेन देन जो आर्थिक घटनाओं के अंदर शामिल होते हैं। अब जो ये घटना है वो दो प्रकार से होती है, जैसे एक हम कहें बाहरी घटना, एक हम कहें आंतरिक घटना। अब ये जो मैंने कहा कि असेट्स हमने मार्केट से परचेज की, तो ये प्रकार की क्या हुआ कि हमने यह भुगतान किसको किया है, किसी बाहरी व्यक्ति को किया है। तो ये जो घटना क्या कहलाती है, बाहरी घटना कहलाती है। और आंतरिक घटना क्या होती है, जो कि व्यवसाय के अंदर ही चलती है। जैसे मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल, हम कहें कि हम क्या करना चाहते हैं, कोई बिजनेस हमने स्टेबल किया है और बिजनेस के अंदर हम कोई वस्तु का निर्माण करते हैं और उसको बेचते हैं। तो जब हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए। तो हमने कहा कि हमने क्या किया, मार्केट से कच्चा माल खरीदा। मार्केट जब कच्चा माल खरीदोगे तो पैसों का भुगतान करना पड़ेगा और कच्चा माल आपके पास आ जाएगा। तो ये तो क्या हुआ, बाहरी लेन देन हुआ कि बाहर के व्यक्ति को हमने क्या किया, पैसा दिया और माल खरीद लिया। अब मैं कहूँ मार्केट माल आकर मेरा कहाँ रखा हुआ है, स्टोर में पड़ा हुआ है माल, मेरे बिजनेस के अंदर मंगाया और स्टोर में पड़ा हुआ। अब स्टोर से मैं क्या कर रहा हूँ, माल का मैं क्या करना है, उस कच्चे माल से कोई प्रोडक्ट तैयार करना है। तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजूंगा और वो माल जो है स्टोर से कहाँ जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा। तो अब ये जो लेन देन हुआ, स्टोर से माल कहाँ गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ये जो लेन देन है या ये जो घटना है वो कौन सी है, आंतरिक घटना हुई, व्यवसाय की आंतरिक घटना जिसके लिए बाहर कोई भुगतान नहीं करना होता, इंटरनल इवेंट्स होते हैं। तो घटनाएं, आर्थिक घटनाएं आपको आना चाहिए कि घटनाएं क्या होती है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पर अगर बनता है तो बन सकता है। आपको कुछ इवेंट देंगे, आपको ऑप्शंस देंगे और पूछेंगे कि ये घटनाएं कौन सी घटना है। तो ध्यान रहे, आर्थिक घटना होना जरूरी है। तो आर्थिक घटना क्या होती है ये आपको आना चाहिए कि आर्थिक घटनाएं वो होती है जो कि व्यवसाय से संबंधित हो और दूसरा जिसको मुद्रा में मापा जा सके। दो प्रकार की घटना होती है, एक आंतरिक घटना होती है, एक बाहरी घटना होती है, जिसके लिए हमें जब बाहर भुगतान करना होता है और उसके लिए हम कोई सामग्री, कोई असेट या कोई किसी प्रकार का कोई हम उपयोग करते हैं व्यवसाय के अंदर, कोई सामग्री आती है तो वो आपकी बाहरी घटना हो गई, और व्यवसाय के अंदर ही यदि हम कोई ट्रांसफर्शन होता है तो वो आंतरिक घटना हो गई। साथ ही यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है, इस तरीके का लेन देन नहीं होता। जैसे मैं कहूं कि मैंने कोई 10,000 रुपये का माल खरीदा जिसमें से 8,000 का माल मैंने बेच दिया, खरीदा 10,000 का माल और बेच दिया 8,000 का माल। अब सिंपल साधारण शब्दों में आप क्या कहोगे कि अभी 2,000 का माल पड़ा हुआ है, 10,000 की लागत का माल था और 8,000 रुपये में उसको बेच दिया। अभी हम कोई प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, कोई किसी बात नहीं कर रहे, हम बेसिक बिल्कुल सिंपल साधारण शब्द में बात करें कि मैंने 10,000 को कोई माल लिया था और उसे 8,000 में बेच दिया, तो अभी 2,000 का माल बचा हुआ है। तो ये भी एक घटना है, और ये बचा हुआ माल क्या कहलाएगा, ये बचा हुआ माल आपके लिए क्या कहलाएगा, बचा हुआ माल आपके लिए क्या कहलाएगी, एक स्टॉक के रूप में काम करेगा कि बचा हुआ स्टॉक अगली बार उसको बेचेंगे। व्यवसाय के बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती है, रिजल्ट निकलता है, या तो प्रॉफिट निकलता है या लॉस होता है, ये भी क्या है, एक घटना है। तो ये सारी क्या है, ये रिजल्टेंट एक्टिविटीज, ट्रांजेक्शन्स हैं, इवेंट्स हैं। तो आपको यहाँ पर ये एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि आर्थिक घटनाएं
क्या होती है जिनको मुद्रा मापा जा सकता है, व्यवसाय संबंधित होता है, घटना इस प्रकार की होती है जहां पर लेन देन होना चाहिए, लेना भी चाहिए और देना भी चाहिए। आइए अब नेक्स्ट इसके अंदर हम वापिस प्रोसेस पे आते हैं। दूसरा जो पार्ट आता है, देखिए आप यहां पर देखेंगे आप लेखांकन प्रक्रिया। कभी कभी क्या किया जाता है कि हमें कह देते हैं कि भाई अकाउंटिंग क्या, हम कहते हैं अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग प्रोसीजर है। बिल्कुल गलत है, अकाउंटिंग प्रोसीजर नहीं है। अकाउंटिंग करने के लिए हमें अकाउंटिंग प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, ये एक प्रोसेस है, दोनों सिमिलर नहीं होता। अकाउंटिंग प्रोसेस एक अकाउंटिंग का छोटा एक पार्ट है, एक मेजर पार्ट है, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस होती है जहां हम क्या करते हैं, जो भी आर्थिक घटना है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके अंदर देखेंगे, उसको क्लासिफाई करते हैं हम, उनको क्लासिफाई करने के बाद उनका समराइज करते हैं हम, समराइज करने के बाद उनका रिजल्ट आता है, रिजल्ट्स को हम क्या करते हैं कम्युनिकेट करते हैं। तो ये क्या हुई, ये आपकी लेखा, ये जो कहते हो ना रॉ मटेरियल से, या कह सकते हो कि रॉ डेटा से जो फाइनल मतलब जो आपका रिजल्ट आउटपुट है, रिजल्ट्स हैं, जो ये रिजल्ट निकलता है, ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया की जो प्रक्रिया है वो लेखांकन प्रक्रिया कहलाती है, उसी के द्वारा निकाला जाता है। और देन उसके बाद आप कहाँ पहुँचते हैं, लेखांकन सूचना का संप्रेषण, ये रिजल्ट आ गया, ये आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। और ये कम्युनिकेट किसको होता है, ये देखिए आप यहाँ पर निर्णायक, आंतरिक या बाहरी उपयोगकर्ता, देखिए डिसीजन मेकर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि ये जो आप सूचना कम्युनिकेट कर रहे हो वो कौन है। वो दो प्रकार के यूजर होते हैं, एक इंटरनल यूजर होते हैं और एक्सटर्नल यूजर होते हैं। इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंतर्गत, परंतु एक बार आपका बेस क्लियर हो जाना चाहिए कि अकाउंटिंग में क्या होता है। तो अकाउंटिंग में क्या होता है, तो ये पूरा आपको यहाँ पर एक चित्र बता रहा है हमें, क्योंकि अकाउंटिंग एक व्यवसाय की भाषा है। और भाषा का काम क्या होता है कि भाषा का काम होता है कम्युनिकेशन करना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। और यहाँ पर जो सूचनाएं होगी वो कौन सी होगी, आर्थिक घटनाएं होगी। जो आर्थिक घटनाओं से संबंधित डाटा है उनको हमें लेना है, उस डाटा को हम प्रोसेस को फॉलो कराना है, यानी लेखांकन प्रक्रिया वहाँ पर पूरी होगी। और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, जो सूचना के रूप में वो रिजल्ट होगा, और वो सूचना जो है कहाँ पहुँचेगी, वो निर्णायक यानी कह सकते हो आप यूजर्स तक पहुँचेगी। ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये पूरा जो पार्ट है वो लेखांकन है, ठीक है। और उसी सूचनाओं के आधार पर क्या किया जाता है, डिसीजन किया जाता है, जिस उद्देश्य के लिए सूचना चाहिए उस उद्देश्य से संबंधित निर्णय भी लिया जाता है। तो ये सब, ये पूरा जो है अकाउंटिंग। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, ये देखिए आप प्रोसेस। अब यहां पर हम सिर्फ प्रोसेस की बात करेंगे, अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है, तो आप इसको देख सकते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस को देख सकते हैं। ये आपकी कोई स्लाइड है, इसमें देखें आप, यहां पर हमने प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग को दो भागों में बायफर्केट किया है। देखिए सबसे पहला आपका यहां आ रहा है जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और दूसरा यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो फाइनेंशियल वर्ड यूज किया हुआ है, हम यही बात कर रहे हैं, आर्थिक घटना, यानी जो सूचनाएं होगी पहले तो उसको जनरेट करना और देन उसके बाद उसका यूज करना। जनरेट कहां से होगी, तो जनरेट करने के लिए क्या प्रोसीजर है, देखो सबसे पहले बात की गई है रिकॉर्डिंग की। हमें सबसे पहले जो भी वित्तीय घटनाएं हैं, जो लेन देन है, उनकी रिकॉर्डिंग करनी होगी। अब रिकॉर्डिंग कहाँ होती है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ। जो रिकॉर्डिंग होती है वो जर्नल के अंदर होती है। सबसे पहले हम व्यवहारों को कहाँ लिखते हैं, जर्नल के अंदर लिखेंगे, प्रारंभिक बहियों में लिखेंगे। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। क्यों की जाती है क्लासिफिकेशन, वो सारी चर्चाएं हम करेंगे बाद में, क्योंकि वो एक अलग चैप्टर है। अभी हम बिल्कुल बेसिक बात करेंगे कि क्लासिफाई किया जाता है, सेम नेचर के जो व्यवहार हैं उनको एक जगह रखा जाता है। और वहाँ पर हम जैसे क्लासिफाइंग करते हैं तो वो बात आती है किसकी, लेजर की, पूरा चैप्टर है इसका। और यहाँ पर हम पोस्टिंग की बात भी करते हैं कि लेजर के साथ पोस्टिंग भी की जाती है। फिर जब बात आती है समराइजिंग की, समराइजिंग का मतलब ये रिजल्ट की बात करता है। यहाँ पर हम बात करेंगे फाइनल अकाउंट की, और ये पूरा एक चैप्टर हमें पढ़ना है
फाइनल अकाउंट का, फाइनल अकाउंट की बात की जाती है। तो यहाँ ये फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत हम रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफाइंग करेंगे और समराइजिंग करेंगे किनकी, ध्यान रहे, आर्थिक घटनाओं। उसके बाद यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या आता है, देखिए यहां बात करते हैं किसकी, एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब क्या हुआ, रिजल्ट्स आपके पास आ गए, आप उसको एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस किसका, कारण और परिणाम का। ये परिणाम प्राप्त हुए तो क्या कारण थे, वो पूरा एक पूरा अलग ही चैप्टर है इसका। फिर इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब उसका मत, परिणाम तो ये रहे परंतु उस परिणामों का अर्थ क्या निकलता है, निर्वचन क्या होता है। मैं कहता हूँ कंपनी के प्रॉफिट है एक साल के 20,000 है, दूसरे साल के 40,000 है, इसका अर्थ क्या निकलता है, क्या एक वर्ष से दूसरे वर्ष में प्रॉफिट बढ़े हैं, तो ये निर्वचन इंटरप्रिटेशन हुआ। तो सूचनाओं से निष्कर्ष निकाला जाता है इंटरप्रिटेशन क्या है, और देन उन सूचनाओं का क्या किया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है, यानी कि उसके उपयोगकर्ता के पास पहुंचाया जाता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस हमने फॉलो किया है वो क्या कहलाता है, प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग कहलाती है। ओके, अब देखिए यहां नीचे ही हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन के बारे में बताएगी। ये देखिए आप यहां पर और अकाउंटिंग को जैसे एक सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। देखिए यहां सब पहले क्या किया है, इनपुट किया है साहब, फिर देखो ये प्रोसेस हुआ है और ये देखो आउटपुट निकला है, ये पूरा सिस्टम है। आगे बात समझ में, तो अकाउंटिंग क्या, एक सिस्टम है जिसमें क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और रिजल्ट निकलता है। देखिए अब इनपुट किसका हो रहा है, देखिए आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन मेजर्स इन फाइनेंशियल टर्म्स, बिल्कुल वही बात जो मैंने आपको पिछले इसकी स्लाइड्स के अंदर समझाई थी, आर्थिक घटनाएं है बस, उन आर्थिक घटनाओं को हमें क्या करना है, जो डेटा है उसको इनपुट करिए, बस आप उसको रिकॉर्ड करिए, उसको क्लासिफाई करिए, उसको समराइज करिए। देखिए नेक्स्ट आपका पार्ट, देखो यही कह रहा है अकाउंटिंग साइकिल के अंदर, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो कि हम बात कर चुके हैं। फर्स्ट आपको क्या करना है, एक प्रोसेस को फॉलो करने के लिए पहली स्टेप जो है रिकॉर्डिंग करनी होगी उस ट्रांजेक्शन की ओरिजिनल एंट्री में। फिर आपका जो दूसरा पार्ट है, यस पोस्टिंग टू लेजर, ये काम करना है आप करें, लेजर में पोस्ट करें, रिजल्ट निकलेंगे। और ये आपका नेक्स्ट पार्ट, ट्रायल बैलेंस बनाना, और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ये आपके फाइनल अकाउंट बन गए। तो ये अकाउंटिंग साइकिल है, अकाउंटिंग प्रोसीजर, अकाउंटिंग साइकिल एंड अकाउंटिंग, ये आपको समझना होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस आता है तो पिन पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है ना, अंतर है इनमें। फिर जो मेन पार्ट वापस लास्ट बताता है, आउटपुट की बात करते हैं हम। आउटपुट का मतलब कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द यूजर, देखिए यह इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा आपका कि यूजर्स कौन से होते हैं, दो प्रकार के यूजर होते हैं, एक इंटरनल यूजर होता है, एक एक्सटर्नल यूजर होता है। इंटरनल यूजर क्या हुए, देखो समझे, व्यवसाय के आंतरिक उपयोगकर्ता क्या होंगे, जो व्यवसाय के इंटरनल इन्वायरमेंट में काम करते हैं। जब भी कोई कार्य, जो भी फंक्शनिंग है वो एक्सटर्नल, यानी कि जहां पर उस व्यवसाय से बाहर, बाहर की बात आती है, बाहर इन द सेंस जो इन्वायरमेंट है उसका, बिजनेस का, जहां जब बिजनेस किया जाता है उसके बाहर, पार्टीज बाहर की है, व्यवसाय के अंदर की नहीं, तो अब वो कौन सी होगी जो व्यवसाय के बाहर की होगी। जैसे अब यहां पर देखो एग्जांपल दिए, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो व्यवसाय के अंदर पैसा लगाते हैं, है ना, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गए, वो क्या है, पैसा लगाते हैं कंपनी के अंदर। फिर आपका लेंडर्स, जो कंपनी को लोन देते हैं, व्यवसाय को लोन देते हैं, बैंक हो गए। सप्लायर, जो सप्लाई करते हैं, किसकी, माल की सप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट जो होती है वो सारी एक्सटर्नल एजेंसी होती है, जिसका व्यवसाय का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। कस्टमर्स, जो व्यवसाय के बाहर के होते हैं, जो कि व्यवसाय के जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उसके अंदर काम नहीं करते, वो सब बाहर के होते हैं। जिनका व्यवसाय का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये स्वतंत्र होते हैं।
और दूसरा होता है आपके इंटरनल यूजर्स, जो देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिनका बिल्कुल व्यवसाय का कंट्रोल होता है, पार्टनर जो कि व्यवसाय को चलाते हैं, जो साथ में शामिल हुए हैं, आप मैनेजर्स देखिए, मैनेजर जो कि नियुक्त किए जाते हैं, और जो ऑफिसर्स हैं ये बिल्कुल व्यवसाय के मैनेजमेंट से जुड़े हुए होते हैं, जो व्यवसाय के मैनेजमेंट करते हैं साहब, ये व्यवसाय को चलाते हैं, और ये व्यवसाय को चलाने के लिए सहायता करते हैं बाहर से। क्योंकि ये सहायता करते तो इनको हमें सूचनाएं भी देनी होती। तो यहां से एक निश्चित तौर पर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी इसका क्वेश्चन पूछा हुआ था कि लेखांकन के आंतरिक जो है उपयोगकर्ता कौन से हैं या बाहरी उपयोगकर्ता कौन से हैं, तो इस प्रकार का यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो आपको मैं पिन पॉइंट कर रहा हूँ कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से एक क्वेश्चन उठ सकता है, तो आपको पढ़ना होगा इंटरनल यूजर कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूजर भी होते हैं। बिल्कुल साधारण सा, इंटरनल यूजर वो होते हैं जो व्यवसाय के आंतरिक वातावरण में कार्य करते हैं, जो व्यवसाय का उनके ऊपर कंट्रोल होता है, परंतु जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जिनका व्यवसाय का उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, जो व्यवसाय के बाहरी वातावरण में कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। तो अब आपको और क्लियर हुआ होगा कि अकाउंटिंग क्या है, तो इस चार्ट को देखकर आपको पता चल रहा होगा कि अकाउंटिंग में क्या होता है। सिर्फ तीन कार्य होते हैं, देखो, इनपुट हुआ, ये हुआ अकाउंटिंग साइकिल, और देन आउटपुट। इनपुट किसका होगा, आर्थिक घटनाओं का होगा, फिर ये पूरी ये प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं, और जो रिजल्ट निकल रहा है उस रिजल्ट को क्या कर रहे हैं, उनके उपयोगकर्ता तक पहुंचा रहा है, ताकि वो क्या कर सके, डिसीजन ले सके। क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं हो तो बिल्कुल जब आपके सामने ये वीडियोस आएगा तब आप उसको मेरे को नोट करके भेजें, मैं उनको क्लियर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चले। ये देखो अकाउंटिंग साइकिल का पूरा बता रखा है, इसके अंदर वही जो हम पिछला जो चार्ट हमने देखा है उसी का हमने इसको थोड़ा और रिडिफाइन किया है। यहाँ पर सबसे पहला काम यही है अकाउंटिंग साइकिल में कि भाई हमें क्या करना है, सूचनाओं का आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करोगे, कि आइडेंटिफाई यहाँ क्या होगा कि सूचना तो बहुत सारी होती है व्यवसाय की, परंतु हम उन्हीं सूचना के बारे में बात करेंगे जिनको किस में कर सके, या इम्पोर्टेंट क्या है, मनी, जिनका आर्थिक घटना हो, आर्थिक घटना कौन सी होगी जिनको मनी मेजर किया जा सके। फिर उनको क्या करना होता है, फर्स्ट आपका जनरल में रिकॉर्ड करना होता है, फिर हम उसको पोस्टिंग करेंगे, फिर पोस्टिंग करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, और एडजस्टमेंट एंट्री ये हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि ये अभी तो स्टार्टिंग फेज है, तो यहाँ पर अभी आपको एडजस्टमेंट एंट्री बताने का कोई तुक नहीं रहता, क्योंकि इसका पूरा एक चैप्टर है, वहाँ हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद वापस अगर एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते तो एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर बुक को क्लोज करते हैं, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बढ़ते हैं। ये तो पूरा प्रोसीजर है, यही प्रोसीजर जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था वही चीज़ यहाँ पर भी है, बस इसको थोड़ा और मॉडर्न वे में डिफाइन किया हुआ है। और ये जो सारे जो पार्ट आपको दिख रहे हैं इस स्लाइड के अंतर्गत, रिकॉर्डिंग इन जनरल, पोस्टिंग, ये सब चैप्टर हैं, हम जब इसका डिटेल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका डिटेल बात करेंगे, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग साइकिल हो गई, अकाउंटिंग प्रोसीजर और अकाउंटिंग, इन तीनों के बारे में हमने बात कर ली। तो आप समरी रूप में अगर मैं आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द अकाउंटिंग, तो आपको आना चाहिए अकाउंटिंग एक जो है व्यवसाय की एक भाषा है, और भाषा का काम क्या होता है, सूचनाओं का संवहन करना। तो यहाँ पर भी अकाउंटिंग भी क्या करती है, व्यवसाय से संबंधित आर्थिक घटनाएं जो होती है उनको क्या करती है, वो एक प्रकार से इनपुट होते हैं, उनके लिए अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करके सूचनाओं का निर्माण करती है, और उन सूचनाओं का निर्माण करने के बाद उनके उपयोगकर्ता तक पहुंचाती है। उपयोगकर्ता को हम यहाँ पर दो भागों में बांटते हैं, आपको पता होना चाहिए, आंतरिक उपयोगकर्ता और बाहरी उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ता वो उपयोगकर्ता होंगे जो कि व्यवसाय के वातावरण, आंतरिक वातावरण में कार्य करते हैं, जिनका व्यवसाय पर नियंत्रण होता है, परंतु जिनका व्यवसाय पर नियंत्रण नहीं होता है और जो बाहरी वातावरण में काम करते हैं वो सारे बाहरी उपयोगकर्ता कहलाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल एनवायरनमेंट में कंपनी के मैनेजर्स आएंगे, ऑफिसर्स आएंगे, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे, ये सारे आएंगे, और एक्सटर्नल में आप बैंक लें, लेंडर्स कहें, इन्वेस्टर्स कहें, गवर्नमेंट कहें, कस्टमर्स कहें, ये सब आपके एक्सटर्नल यूजर्स में आए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, एक यहाँ पर तीसरा जो फैक्ट है, जो क्वेश्चन जहाँ से बनता है,
अभी भी लास्ट टाइम जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था तब ये क्वेश्चन यहाँ से आया था। क्योंकि हम क्या है, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग तीन वर्ड है, हम तीनों वर्डों को एक जैसा समझने की गलती कर लेते हैं, और या फिर हम अगर एक जैसा नहीं समझते तो इसका सही उत्तर भी हमें पता नहीं होता। तो आज हम इन तीनों के बारे में विस्तृत बात करेंगे। देखिए, अकाउंटिंग के बारे में आपको बता चुका हूँ कि अकाउंटिंग क्या है। तो यहाँ पर दो मुख्य जो शब्द हैं वो है, एक सबसे पहला आपका जो बात करें हम अकाउंटेंसी, और दूसरा जो आपका है बुक कीपिंग। देखो, मेरा यहां पर चार्ट बनाने का भी यही उद्देश्य है कि आपको पता होना चाहिए कि इनका एरिया क्या है, क्योंकि पिछली बार जब क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर तो क्वेश्चन ऐसे ही आया था, आपको क्या किया, ऐसे गोले बना दिए, ये ऐसा गोला बना दिया और फिर पूछ लिया कि भाई अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में किस प्रकार का संबंध है, ऐसे गोले बना दिया अलग अलग, इसमें किसी में ऐसे बना दिया, किसी में ऐसा बना दिया और किसी में ऐसा बना दिया, और फिर आपको पूछा गया कि भाई बताइए। तो देखिए, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, बट जब हम उसको कंसेप्चुअल नहीं देखते हैं तो उसको गलत करके आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें बुक कीपिंग की। इन तीनों में सबसे छोटा जो है वो क्या है, जिसका स्कोप छोटा है वो क्या, बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग जिसे हिंदी में कहते हैं पुस्तपालन। पुस्तपालन जो है वो क्या होता है, मैं आपको पिछली स्लाइड में लेके जाता हूँ, ये वाला, ये वाली स्लाइड में बात करूँगा। तो ये जो आप रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर, ये जो दोनों कार्य करते हो आप, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्डिंग कहाँ करते हो, बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ, देखिए आप नीचे इसमें रिकॉर्डिंग जो होती है कहाँ होती है, ओरिजिनल एंट्री जर्नल के अंदर होती है, और पोस्टिंग ऑफ लेजर, ये कार्य जो करते हो आप, ये कार्य जो आता है वो किसके अंदर आता है, बुक कीपिंग के अंदर आता है, ये बुक कीपिंग का पार्ट है। यानी कि बुक कीपिंग का पार्ट की जो स्कोप है वो क्या होता है, छोटा होता है। फिर उसके बाद जो अकाउंटिंग आपकी मैंने बात करी ली है ना, कि अकाउंटिंग का पार्ट बुक कीपिंग से अधिक होता है, जहाँ एंड होती है बुक कीपिंग वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, और एंड कहाँ होती है, समराइजिंग से स्टार्ट हो जाता है काम भाई, यहाँ पर क्लासीफाई करने के बाद बात खत्म हो जाती है बुक कीपिंग की, फिर उसके बाद क्या स्टार्ट होती है आपकी, समराइजिंग स्टार्ट होती है, समराइजिंग के अंदर अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, और फिर देखो उसका ऊपर दिया हुआ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी सबसे ज्यादा वाइड है। अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी एक बहुत बड़ा शास्त्र है जिसके अंतर्गत सिद्धांत है, नियम है, इन सिद्धांतों इन नियमों का जब हम अध्ययन करते हैं, इन प्रक्रियाओं को विधियों का जो हम अध्ययन करते हैं, जब हम इसका अध्ययन कर चुके होते हैं तब जाके हम क्या करना सीखते हैं, अकाउंटिंग करना सीखते हैं। यदि ये सिद्धांत नहीं बने होते, ये नियम नहीं बने होते, ये विधियां नहीं बनी होती, ये प्रक्रिया नहीं बनी होती, तो हम अकाउंटिंग करना सीख ही नहीं पाते। तो लेखा शास्त्र क्या है, लेखा शास्त्र बड़ा सबसे ज्यादा विस्तृत एरिया है जहां पर अकाउंटिंग कैसे की जाए, अकाउंटिंग कैसे करनी है उसको सीखा जाता है, वो अकाउंटेंसी होती है। तो इनका रिलेशन आपको आना चाहिए कि सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होती है, अकाउंटेंसी होती है। उसके अंदर अकाउंटेंसी के द्वारा हम अकाउंटिंग करना सीखते हैं, और अकाउंटिंग का एक छोटा सा पार्ट क्या है, बुक कीपिंग है। तो यहाँ पर जो रिलेशन जो था वो इस प्रकार का रिलेशन था, और ये सही उत्तर होता यदि हम इसको ढंग से समझ लें और कर लें, तो ये आपका उत्तर सही हो जाता है। तो आपको ऐसी पॉइंट को कवर करना है, इसीलिए यहाँ पर जो आपकी क्लासेस ली जा रही है वो मैं इसी पैटर्न पर ले रहा हूँ कि हर एक पॉइंट से क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, कैसे पिक होता है क्वेश्चन, वो भी आप साथ के साथ सीखें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ती जाए। ओके, तो यहां पर आपने क्या सीखा, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुककीपिंग, इन तीनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, अकाउंटेंसी
जहां पर सिद्धांतों की बात की जाएगी, नियमों की बात की जाएगी, विधियों की बात की जाती है, प्रक्रियाओं की बात की जाती है, इन सब का उपयोग करके आप क्या करते हो, सीखते हो अकाउंटिंग करना। और बुक कीपिंग जो होता है वो पार्ट होता है, बिल्कुल छोटा सा अकाउंटिंग का एक छोटा सा पार्ट है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो भी आपके इकोनॉमिक इवेंट्स है यानी जो आर्थिक घटना है उनकी रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका किसका है, लेखांकन की प्रकृति से संबंधित, नेचर ऑफ अकाउंटिंग क्या है। देखिए ये बिल्कुल हम सिलेबस के पिन पॉइंट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल पिन पॉइंट चलेंगे। नेचर ऑफ अकाउंटिंग क्या, नेचर ऑफ अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग का किस किस रूप में बताया गया है। देखो सबसे पहले तो हमने बोल ही दिया कि लेखांकन जो है व्यवसाय से संबंधित होता है, व्यवसाय के रूप में लेखांकन को क्या बोला है, एक भाषा बोला है, एक लैंग्वेज है, बिल्कुल क्लियर, ये आपकी क्लियर हो जानी चाहिए बात, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही यहीं से स्टार्ट होती है कि एक लेखांकन व्यवसाय से संबंधित होता है और व्यवसाय से संबंधित में इसको क्या बताया, एक भाषा बताया, लैंग्वेज बताया, और लैंग्वेज का काम क्या होता है, सूचनाओं का संवहन करना। दूसरा, लेखांकन एक पेशा है, प्रोफेशन, पेशे का मतलब क्या है, प्रोफेशन। प्रोफेशन, प्रोफेशन में क्या होता है, जैसे आप जानते हो सीए, जैसे इसकी बात आती है तो सीए की बात आती है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। अकाउंटिंग अब जो है धीरे 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 इतना डेवलप हो चुका है, इतना वाइड हो चुका है कि अब इसके अंदर जो रूल्स और रेगुलेशन जो प्रिंसिपल्स है वो इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ चुके हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, प्रोफेशनल पर्सन की जरूरत होती है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन बढ़ गए। तो एक ये जो है अकाउंट लेखांकन जो है आपका एक पेशे के रूप में उभरा है, एक पेशे पेशेवर के रूप में बढ़ा हुआ है। इसके लिए अलग से एग्जाम्स होते हैं, प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं, डिग्री होती है, वो हम जब फुलफिल कर पाते हैं तब जाके हम अकाउंटिंग करते हैं। तो इसका एक नेचर में क्या बताया गया है कि एक पेशे के रूप में। दूसरा, लेखांकन एक विषय है, विषय, विषय का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट के रूप में, जो कि आप अभी पढ़ रहे हैं। एक अकाउंटिंग को क्या बताया गया, एक सब्जेक्ट के रूप में बताया हुआ है, जिसके अंतर्गत जैसे अब आपका सिलेबस है, अब सिलेबस के अंदर क्या किया, अकाउंटिंग के कंटेंट शामिल किए, तो एक सब एक विषय के रूप में इसको डेवलप किया है, एक विषय बन चुका है जिसका अध्ययन हम विभिन्न कक्षाओं के अंदर करते हैं और तब जाके हम अकाउंटिंग करना सीखते हैं। लेखांकन एक सामाजिक शक्ति के रूप में डेवलप हुआ। देखिए सामाजिक शक्ति के रूप में कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में आपको समझना चाहिए। शुरू शुरू में जब लेखांकन अकाउंटिंग आया था, मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा अवगत कराता हूँ। हम बात करें 4000 ईस्वी पूर्व की बात करें तो बेबलोनिया और इजिप्ट के अंतर्गत क्या होता था, अकाउंटिंग शुरुआत में की जाती थी। कैसे की जाती थी, जो भी मजदूरी का भुगतान किया जाता था और करों के भुगतान के संबंध में हम एक लेखांकन लेन देनों के संबंध में लेखांकन किया जाता। फिर धीरे धीरे अकाउंटिंग डेवलप हुआ, लुकास पेशियोली आईएस 1494 में डबल एंट्री सिस्टम डेवलप किया, वो सारा धीरे धीरे डेवलप करके आज इतना विस्तृत रूप आ गया इसका कि अकाउंटिंग एक जो बताया एक पैसे के रूप में डेवलप हो चुका है। स्टार्टिंग में जब अकाउंटिंग की जाती थी तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ करता था, असेट्स स्टेवर्डशिप अकाउंटिंग के रूप में इसको यूज करते थे, मतलब असेट्स की सुरक्षा करना कि इसकी अकाउंटिंग करेंगे तो हमें हिसाब किताब सही रहेगा, संपत्ति बची रहेगी, नहीं तो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो उसकी सुरक्षा के लिए अकाउंटिंग की जाती। परंतु अब धीरे 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 चूंकि हम कहते हैं कि बिजनेस बढ़ रहा है, वाइड एरिया हो गया बिजनेस का, तो पैसा खुद का ही नहीं लगाकर लोगों से भी लिया जाता है, बाहर के लोगों से लिया जाता है। तो मतलब हमने अभी दो यूजर्स देखे, एक्सटर्नल यूजर, इंटरनल यूजर, दूसरों लोग जो बाहर के लोग हैं जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी पैसा बिजनेस में लगा रहता है और उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, एक व्यवसाय का कर्तव्य होता है कि उनके पैसों की सुरक्षा की जाए, सही चीज कस्टमर तक पहुंचाई जाए। बहुत जो है कह सकते हो कि अभी जो इन्वायरमेंट जिस तरीके का चल रहा है,
हालांकि मैं दो कुछ वर्ड यूज कर सकता हूँ आपके लिए, कार्बन अकाउंटिंग, इस तरीके की अकाउंटिंग अब डेवलप हो चुकी है। तो मतलब इन्वायरमेंटल इश्यू से संबंधित अकाउंटिंग होने लग गई है, जो कि एक सामाजिक जो है लेखांकन के रूप में भी डेवलप हो चुकी है। अकाउंटिंग जिम्मेदारियां बढ़ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई कि आपको अकाउंटेंट जो है वो सही सूचना प्रदान करेगा, तब जाके आप सही जगह पैसा लगाओगे, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। तो एक सामाजिक शक्ति के रूप में अकाउंटिंग जो है डेवलप हुआ है। फिर ये जो है आप इनको बिल्कुल नोट कर लें, ये आपके नेचर के रूप में पूछ सकते हैं कि भाई आपके ABCD क्वेश्चन पूछेगा नेचर ऑफ अकाउंटिंग, कौन इनमें से कौन सा नहीं है, या तीन ऑप्शन देके कोई इनमें से कौन सा है। दूसरा, जब हम बात करें फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, तो आप यहाँ देख सकते हो कि भाई अकाउंटिंग का क्या फंक्शन है। जब यदि आपने प्रोसेस को ढंग से समझ लिया तो फंक्शन भी आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ही काम इसका क्या होता है, पूर्ण एवं नियमित लेखीय रखना। अकाउंटिंग के थ्रू हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग के थ्रू क्या होता है, आपने देखा इसकी प्रोसेस देखी। सबसे पहले हमने कहा कि आर्थिक घटनाओं का क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है, रिकॉर्डिंग करना एंड क्लासिफाइंग करना, और यह सब करने के बाद फाइनल रिजल्ट निकालना। फाइनल रिजल्ट किस रूप में आते हैं, फाइनल रिजल्ट आते हैं आपके परिणाम जो आते हैं वो फाइनल अकाउंट के रूप में आते हैं, ठीक है। तो ये पूर्ण एवं नियमित लेखे रखना व्यवसाय के। विभिन्न पक्षकारों को वित्तीय परिणाम की सूचना प्रदान करना, बिल्कुल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ये प्रोवाइड करेगा, ये दूसरा इसका कार्य है, वित्तीय परिणामों की सूचना विभिन्न पक्षकारों को। हमने पक्षकार देखे, इंटरनल यूजर्स भी देखे, एक्सटर्नल यूजर्स भी देखे। व्यवसाय की संपत्ति की सुरक्षा करना, बिल्कुल ये तो परम कार्य है ही, क्योंकि शुरुआत ही लेखांकन की क्या हुई थी, संपत्ति की सुरक्षा करने से। अगर हम संपत्तियों के संबंध में लेखांकन प्रॉपर रखेंगे तो उनकी सुरक्षा होगी, अन्यथा उनका मिसयूज होगा। प्रबंधकों को सहायता करना, बिल्कुल प्रबंधक जो होते हैं एक प्रकार के इंटरनल यूजर ही होते हैं, और उनको डिसीजन लेने के लिए अकाउंटिंग की जरूरत होती है। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके अगर उसको जानकारी नहीं होगी तो आगे फर्दर फ्यूचर में डिसीजन भी नहीं ले पाएगा। तो प्रबंधक को सहायता करेगा प्रबंधन के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर। ट्रस्टी का कार्य करना, कंपनी के जो फंड्स होते हैं, कॉरपोरेशन होते हैं, उनके फंड होते हैं, उनके फंड की सुरक्षा करना भी कर्तव्य होता है। तो वह एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है, अकाउंटेंट का काम होता है। अकाउंटेंट बिल्कुल निष्पक्ष व्यक्ति होता है जो कि व्यवसाय के संपत्तियों की सुरक्षा के साथ साथ उनके कोषों की सुरक्षा भी करता है, एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। फिर नेक्स्ट जो इसका लेखांकन कार्य में, वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना। देखिए वैधानिक आवश्यकता कौन सी, जब भी हम अकाउंटिंग की बात करेंगे, व्यवसाय की बात करेंगे, कंपनी की बात करेंगे, तो कंपनीज एक्ट आएगा, दूसरा आपका IT एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट आएगा, और विभिन्न प्रकार के जो इन्वायरमेंटल से संबंधित एक्ट है वो भी आएंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत से एक्ट्स आते हैं। तो उन जब यदि हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमारे पास सारी सूचना अवेलेबल होगी। तो कहीं ना कहीं लेखांकन रखने से, लेखा करने से कंपनी की वैधानिक आवश्यकता भी है वो भी पूरी होती है। तो एक प्रकार से अकाउंटिंग के क्या क्या कार्य हो सकते हैं वो आपको आने चाहिए, कि पूर्ण नियमित लेखा रखने का काम आ सकता है। बस सब कुछ इजी हो जाएगा जब यदि आप इसकी डेफिनेशन को ढंग से पढ़ लोगे। दूसरा, हम कर क्या करते हैं, वित्तीय परिणामों को उनके यूजर्स तक पहुंचाते हैं, बिल्कुल वही कार्य करना है। फिर संपत्तियों की रक्षा करनी है, बिल्कुल करनी है। प्रबंधकों में सहायता पहुंचानी है, बिल्कुल पहुंचाती है, बिना उसके लेखांकन के वो डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। आप ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हैं और वैधानिक आवश्यकता आपकी पूर्ण करता है अकाउंटिंग। जब आप अकाउंटिंग करते हो तो कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और भी दूसरे एक्ट जो होते हैं उनकी जो भी आवश्यकताएं होती है उनको फुलफिल हो, ऑटोमेटिक लेखांकन रखने से हो जाती है। फिर लेखांकन की उपयोगिता, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, लेखांकन की उपयोगिता, यूजफुलनेस। जैसे कार्य वर्क देखेंगे आप, वर्क के आधार पर आपकी इसकी इंपोर्टेंस भी डेवलप होगी। क्या सबसे पहले इसने बता रखा है, व्यवसाय के प्रबंध में सहायक, बिल्कुल बिना प्रबंध लेखांकन के ढंग से प्रबंधन नहीं किया जाएगा, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी, डिसीजन मैनेजर नहीं ले पाएगा, प्लानिंग में, निर्णय में, कंट्रोलिंग में, हर जगह लेखांकन का उपयोग, लेखांकन जो होगा वो अगर रखने से सही तरीके से आपका प्रॉपर मैनेजमेंट हो पाएगा। यहाँ पर पूर्ण एवं नियमित लेखे प्रदान करता है, बिल्कुल अकाउंटिंग रखने पर हमें ये चीज़ें आसानी से मिल जाती है। ये चीज़ें आसानी मिल जाती है तो हम जानते हैं कि हम अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। लाभ या हानि के विषय में जानकारी, जब अपन प्रॉपर अकाउंटिंग रखेंगे
नियमित लेखा रखेंगे तो हमें व्यवसाय से संबंधित जो भी परिणाम होंगे, व्यवसाय हम कर रहे हैं, हमें लाभ हो रही है हानि, उसकी सूचना हमें मिलती रहेगी। हमें वित्तीय स्थिति की पता चल जाएगा, फाइनेंशियल पोजिशन, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा या फाइनेंशियल पोजिशन के बारे में पता चलेगा, हमारी क्या लाइबिलिटीज हैं, क्या संपत्तियाँ हैं, बाद में बात करेंगे लाइबिलिटी क्या होती है, असेट्स क्या होती है। तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायता प्रदान करता है। तुलनात्मक अध्ययन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि हम व्यवसाय कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, 2 साल से 5 साल से 10 साल से, तो हम कंटिन्यूसली उससे कंपेयर कर सकते हैं कि हम प्लस में जा रहे हैं या माइनस में जा रहे हैं। दूसरा, हमारे जैसी संस्था है, हम उस संस्था से भी कंपेयर कर सकते हैं। यदि हम अकाउंटिंग रखेंगे तो हम उससे कंपेयर कर पाएंगे कि हम उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, हमारा मार्केट शेयर कम हुआ है, बड़ा है, किस तरीके का हुआ है। तुलनात्मक अध्ययन में भी सहायता प्रदान करता है। करों के दायित्व का निर्धारण में सहायक, बिल्कुल, अकाउंटिंग के बिना हम टैक्स को डिटरमाइन भी नहीं कर पाएंगे। सही टैक्स का डिटरमाइनेशन कब होगा? जब अकाउंटिंग करेंगे, हम अपनी सूचनाएं देंगे इनकम टैक्स ऑफिसर को कि भाई ये है, सीए को सूचना देंगे, तब जाके वो रिटर्न फाइल करेगा, हमारी टैक्स निकालेगा और टैक्स निकाल के जमा कराएगा। जब हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो हम कैसे करेंगे? कानूनी मामलों का प्रमाण, बिल्कुल, अकाउंटिंग जो होता है वो एक अकाउंटिंग की क्वालिटी होती है। अकाउंटिंग जो है, क्वालिटी क्या होती है कि वो वेरीफाइबल होता है, मतलब वहाँ से सूचना वेरीफाई होती है, क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो बिना लिखित प्रमाण के नहीं करते। तो जहाँ पर भी कानूनी लड़ाई होगी तो लिखित प्रमाण हमारे पास होता है, तो उसके आधार पर कानूनी मामलों में भी एक प्रमाण के रूप में कार्य करता है। जब भी व्यवसाय को बेचना होगा तो सामने वाला यदि खरीदेगा तो उसके अकाउंट्स देखेगा। कंपनीज एक्ट के अंदर ऐसे प्रावधान है कि हम ऐसे बिजनेस को बेच भी नहीं सकते, उसके लिए अकाउंटिंग होना जरूरी है। बहुत सी जटिलता है, बहुत सी अकाउंट लीगली प्रोसेस है, तो बिना अकाउंटिंग रखे आप व्यवसाय को बेच भी नहीं पाओगे। तो व्यवसाय को बेचने में भी सहायता प्रदान करता है। ऋण लेने में सहायता, बिल्कुल, वो तो है ही है। अकाउंटिंग रखोगे, आपके प्रॉफिट हो रहे हैं, तो कोई भी संस्था आपको ऋण देने से भी मना नहीं करेगी, वो कहेगी बिल्कुल ऋण लीजिए। ठीक है, तो ये कुछ लेखांकन की यूटिलिटीज़ हो सकती है, उपयोगिता हो सकती है, ये और भी ज़्यादा हो सकती है, परंतु मुख्य मुख्य बातें हैं ये जो हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है इसके बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में हम ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी यहाँ से आता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए कि एक ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग से क्वेश्चन पूछते हैं। आपको 3 तो ब्रांच बता देंगे और 4th ब्रांच नहीं बताएंगे, 4th अलग होगी। तो आपको ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग के बारे में भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस आ सकता है। सबसे पहला वित्तीय लेखांकन, दूसरा लागत लेखांकन, तीसरा प्रबंध लेखांकन, चौथा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन, और पांचवा मानव संसाधन लेखांकन। अब इनके बारे में मैं ब्रीफ बता देता हूँ। वित्तीय लेखांकन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो है वित्तीय यानी आय और व्यय, लाभ हानि की बात की जाती है, वित्तीय स्थिति की बात की जाती है, तो वो वित्तीय लेखांकन होता है। यहां पर क्या बात की जाएगी? व्यवसाय से संबंधित जो भी आए हैं, व्यय हैं, उसकी बात की जाएगी, उनके आधार पर लाभ और हानि के बारे में बात की जाएगी, और वित्तीय स्थिति की बात की जाएगी। तो उस संबंध में जो भी लेखा जोखा रखा जाता है वो वित्तीय लेखांकन का क्षेत्र कहलाता है। दूसरा जो हम बात करें लागत, जहाँ पर किसकी बात की जाएगी? वस्तु या सेवा के लागत की बात की जाएगी। लागत का मतलब भाई वस्तु और सेवा को बनाने के लिए जो भी खर्चे होते हैं उनको डिटरमाइन करने का काम जो होता है वो लागत लेखांकन का स्कोप होता है। फिर आती प्रबंध लेखांकन, जहाँ पर हम किसकी बात करते हैं? जहाँ हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, निर्णय की बात करते हैं। यहाँ पर जो सूचना हमें प्राप्त हुई है उन सूचनाओं को इस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है मैनेजर्स के सामने ताकि वो इजीली डिसीजन ले सके, तो वो जो उसका प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र होता है। फिर है सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन। सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन में क्या होता है? जो कि हम सोशल अकाउंटिंग की जब बात कर रहे थे, अभी जब बात कर रहे थे भाई अकाउंटिंग जो है किस रूप में सामाजिक शक्ति के रूप में डेवलप हुआ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हुई, सोशल कॉस्ट आती है। जैसे हमने कहा कि कंपनी जो है, आपके इंडस्ट्री जो है एक मतलब डेवलप हुई है, आपके जो आपका एरिया है जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास, तो वो किस प्रकार से आपको क्षति पहुँचा रही है और किस प्रकार से आपको लाभ दे रही है ना।
क्योंकि वो अगर डेवलप हो, इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश होती है तो इम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, परंतु उसके साथ साथ उनके इंडस्ट्री होने के साथ साथ उनके दुष्प्रभाव भी होते हैं, इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। तो उसके संबंध में जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है उस कंपनी की, तो आजकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जानते हैं, CSR का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हालांकि इतना आपके मैटर नहीं है, पर फिर भी हर एक कंपनी को अपने प्रॉफिट्स का 2% जो है CSR पे भी खर्च करना होता है, कंपल्सरी कर दिया गवर्नमेंट ने। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में भी लेखांकन की एक शाखा डेवलप हुई है। फिर हम मानव संसाधन लेखांकन जहाँ पर किसकी बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब सीधा सा क्या हो गया, जो एम्प्लॉइज हैं, है ना, एम्प्लॉइज जो हैं, क्योंकि असेट्स ये भी एक असेट होती है, बिना एम्प्लॉय के, अगर बिना अच्छे एम्प्लॉय के कंपनी ग्रोथ भी नहीं कर सकती, तो उन एम्प्लॉयज के संबंध में किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की जो वैल्यू होती है उसको वो उसको मेजर नहीं कर सकते आप, है ना। और अकाउंटिंग क्या बात करती है, जिनको मुद्रा मापा जा सकता है, तो इनको कैसे मेजर किया जाए और उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाए, वो सारा स्कोप जो है किसका है, मानव संसाधन लेखांकन का स्कोप है। तो यहाँ लेखांकन की जो शाखा है वो इससे भी ज़्यादा है, परंतु मुख्य रूप से कितनी है, इतनी है, जहाँ पर वित्तीय लेखांकन होता है, लागत लेखांकन होता है, प्रबंध लेखांकन होता है, सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन होता है और मानव संसाधन लेखांकन होता है। इनके सारे वित्तीय लेखांकन में आय व्यय, लाभ हानि और वित्तीय स्थिति की बात करते हैं, लागत लेखांकन में वस्तु और सेवा की लागत की बात की जाती है, प्रबंध लेखांकन में डिसीजन मेकिंग की बात की जाएगी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट की बात की जाएगी, और मानव संसाधन के अंतर्गत एम्प्लॉय की कॉस्ट कैसे निकाला है, एम्प्लॉय की कॉस्ट कैसे डिटरमाइन की जाए, एम्प्लॉयज़ की वैल्यू के बिजनेस के लिए क्या होगी उसके बारे में, उसकी अकाउंटिंग की बात की जाए। नेक्स्ट आपका जो है, एक लेखांकन जो सूचना होती है उसकी क्वालिटेटिव क्या विशेषताएँ क्या होती है, गुणात्मक विशेषताएँ क्या होती है, ये आपको थोड़ा सा बताना चाहिए। इसके संबंध में एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनता है। तो जहाँ मैंने आपको रेड मार करके बोला है क्वेश्चन बनता है, तो वहाँ निश्चित तौर पे क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है, उसके अलावा क्वेश्चन कहीं से नहीं बनता, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला जो लेखांकन सूचना है उसमें क्या गुण होना चाहिए, विश्वसनीयता का गुण होना चाहिए। विश्वसनीयता का मतलब विश्वास करने योग्य। विश्वास कब किया जाएगा, जब कोई भी आर्थिक घटना हो रही है उसका वेरिफिकेशन यानी उसका मूल प्रमाण हमारे पास है, हम कह सकते हैं बिल्कुल ये घटना झूठी नहीं है, सत्य है ये घटना। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसका बिल हमारे पास है, मैंने कहा कोई संपत्ति मैंने खरीदी है तो उसका प्रमाण मेरे पास होना चाहिए। तो पहले यही है कि लेखांकन सूचना किस प्रकार की होनी चाहिए, विश्वसनीयता का गुण उसके अंदर विद्यमान होना चाहिए। दूसरा जो इसके अंदर पार्ट बात करते हैं हम, अनुरूपता, रिलेवेंस होनी चाहिए। रिलेवेंस का मतलब ये होगी आपके काम की भी होनी चाहिए, रिलेवेंटेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आपसे संबंधित सूचना ही नहीं, जो यूजर्स हैं उनके उपयोगकर्ता के उपयोग की सूचना नहीं, तो ऐसी सूचना होनी चाहिए जो कि उसके स्पष्ट रूप से वो सारी सूचनाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए जो कि यूजर्स जो हैं उनके उपयोग की है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ हर एक यूजर्स की जो स्पेसिफिक है वो सूचना उपलब्ध करो, ऐसा नहीं, पर सामान्य रूप से जो उपलब्ध हो सकती है यूजर्स के लिए वो सूचना आपको उपलब्ध करानी चाहिए, वो सूचना आपके अंदर होनी चाहिए आपके लेखांकन के अंदर। समझ में आने योग्य, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी थी। ऐसा नहीं कि भाई एक व्यक्ति उसको समझकर कोई अर्थ अलग निकाले, दूसरा व्यक्ति समझ के उसका अर्थ अलग निकाले, नहीं, ऐसी सूचना होनी चाहिए लेखांकन सूचना जिसमें सभी जने अगर उसको पढ़ रहे हैं तो उन सबका अर्थ जो एक जैसा निकलना चाहिए, ईजी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए सूचना। और तुलनीयता, बिल्कुल तुलनात्मकता का गुण तो होना ही चाहिए, बिना तुलनात्मकता के गुण के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का कोई यूजलेस होता ही नहीं, क्योंकि यदि हम कोई कंपनी हम व्यवसाय कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं, यदि हम उनके डेटा को, उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रकार की सूचना ही डेवलप नहीं की है, बना ही नहीं है, उन्हें रिजल्ट ही नहीं ऐसा आया, तो वो हमारे लिए काम की नहीं है। तो तुलनात्मकता होनी चाहिए, यानी कि जब आप कंपनी की जो सूचना है, लेखांकन सूचना है, उनको इस साल जिस तरीके से रखिए, अगले साल भी उसी तरीके से हमें मेंटेन करना चाहिए। दूसरी कंपनी के साथ भी अगर हम कंपेयर करें तो सूचना उस तरीके की होनी चाहिए जो सामान्य रूप से एक्सेप्टेबल हो। तो ये चारों जो गुण हैं वो आपके लेखांकन की सूचना में होना चाहिए। अगर ये गुण विद्यमान नहीं है तो वो अच्छी लेखांकन सूचना नहीं मानी जाएगी। यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनने की संभावना है। तो आप जो मोटे मोटे पार्ट है लेखांकन के क्वेश्चन के, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है एक डेफिनेशन से क्वेश्चन बनता है, दूसरा आपकी आर्थिक घटनाएं वहां से एक क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है, तीसरा आपका जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग कैसे होगी, क्या रिलेशनशिप है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना होती है। चौथा एक प्रकृति के अंतर्गत एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। पांचवा आपका
लेखांकन की शाखाओं से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि पूछ लेंगे आपको कि निम्न में से कौन सी शाखा नहीं है लेखांकन की या कौन सी है, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। और एक छठा क्वेश्चन जो बन सकता है वो किसका बन सकता है, लेखांकन सूचना की गुणात्मक विशेषता आपको पूछ सकते हैं कि कोई वेरिफेबल है, कोई सूचना प्रमाण रूप से प्रमाणित की जा सकती, तो उसमें कौन सी गुण पाया गया है, गुणात्मकता का कौन सा गुण पाया गया है, तो विश्वसनीयता का गुण पाया गया है। स्पष्ट रूप से सूचना उपलब्ध है तो कौन सा गुण पाया गया है, तुलना कर सक रहे हैं तो किस प्रकार का गुण पाया गया, तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए हम कुछ क्वेश्चन की भी चर्चा करते हैं। ये आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ 4-5 हैं, क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा उसके लिए। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हम देखें कि निम्न में से कौन सी व्यावसायिक लेन देन नहीं है। देखिए क्वेश्चन इकोनॉमिक इवेंट से संबंधित है, व्यावसायिक, देखो दो इंपॉर्टेंट चीज है, व्यावसायिक अपने व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए, लेन देन तो आप जानते ही हैं, लेन दिया अभी। जैसे पहला बोला है इसने ऑप्शन, व्यवसाय के लिए 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। भाई अपने व्यवसाय के लिए फर्नीचर खरीदा, देखो दोनों ही क्वालिटी, व्यवसाय भी अपना है, 10,000 रुपये भी है, यानी कि मनी में मेजर भी हो रहा है, व्यवसाय से संबंधित भी है और फर्नीचर है, असेट भी है, तो आपका ये क्लियर है बिल्कुल ये व्यावसायिक लेन देन। फिर से 5,000 रुपये का कर्मचारी को वेतन का भुगतान किया, देखो 5,000 रुपये मेजर भी कर पा रहे हो, कर्मचारी को भुगतान किया वेतन का, बिल्कुल ये भी सही, कर्मचारी हमारे व्यवसाय से संबंधित है और उनको हमने क्या किया, 5,000 का भुगतान किया है, तो मनी में मेजर भी हो रहा है और साथ का साथ कर्मचारियों को वेतन दिया है, तो यानी कि ये एक व्यावसायिक ट्रांजेक्शन भी है, तो ये भी आपका व्यावसायिक लेन देन है। अपने निजी बैंक खाते से, देखो समझे, अपने निजी व्यवसायी ने क्या किया, अपने निजी बैंक खाते से 20,000 रुपये अपने बेटे की फीस का भुगतान किया। अब देखिए ये क्या सीधी सी बात की, निजी यानी व्यवसाय का तो बात ही नहीं है यहाँ पर, भाई अपने निजी बैंक खाते से 20,000 रुपये अपने बेटे की फीस का भुगतान किया, तो किया होगा उसने, व्यवसाय से अगर पैसा लेता तो बात अलग रहती, परंतु ये तो निजी बैंक खाते से, और बच्चा भी किया उसका निजी है, उसका भुगतान किया फीस का, तो ये आपका जो है ना तो व्यवसाय से संबंधित है, ये व्यवसाय से संबंधित आपका नहीं है। हाँ हालांकि जो आपका ट्रांजेक्शन है वो मनी मेजर तो किया जा सकता है, परंतु आपके व्यवसाय से संबंधित नहीं है, तो ये भी आप ध्यान रखें कि ये जो है आपका सही उत्तर जो होगा यही होगा। आगे जाने ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ से क्लियर हो जाता है। फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं कि 20,000 रुपये व्यवसाय में से बेटे की फीस का भुगतान किया। देखिए अब 20,000 रुपये है, मनी मेजर हो रहा है, साथ ही साथ व्यवसाय संबंधित है, इसलिए ये तो व्यवसायिक घटना है। इसमें से व्यवसायिक घटना कौन सी नहीं है, आप बिल्कुल सी ऑप्शन यानी स ग जो है वो का उत्तर होगा, अपने निजी बैंक खाते से, अपना निजी बैंक खाता उसका खुद का है, बेटे की फीस का भुगतान किया, वो निजी है, तो वो आपके व्यवसायिक लेन देन का पार्ट नहीं होता। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, व्यवसायिक लेन देन संबंधित क्वेश्चन आया। दीप्ति अपने व्यवसाय के लिए एक भवन खरीदना चाहती है, इस निर्णय से संबंधित उपयुक्त आंकड़े कौन से। अब देखिए संबंधित उपयुक्त आंकड़े कौन से, अपने व्यवसाय के, व्यवसाय अपना है और एक भवन खरीदना चाहती है, तो उससे संबंधित क्या सूचना हो सकती है, तो हम कहेंगे उससे संबंधित क्या इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, कि भाई उसको व्यवसाय से संबंधित कोई चीज होनी चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन इसने बोला, इसी प्रकार के व्यवसाय ने वर्ष 2000 में 1,00,000 रुपये का भवन खरीदा। अब देखो जो व्यवसाय दीप्ति खरीदना चाहती है उसी के संबंध में बोला है कि इसी प्रकार के व्यवसाय ने वर्ष 2000 में 1,00,000 रुपये का भवन खरीदा, यानी यही एक ऐसी इंफॉर्मेशन सीधी दिख रही है, यही एक ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि अपने काम की हो सकती है, क्योंकि व्यवसाय भी इसी प्रकार का है, दूसरा पैसा भी इसने बता रखा है। अब दूसरी सूचना हम पढ़ेंगे बट इरिलेवेंट होगी, देखो कैसे, अब 2003 की भवन की लागत का विवरण, अब इसका क्या लेना देना, व्यवसाय संबंधित ही नहीं है। 1958 में की भवन की लागत का विवरण, अब इसमें तो अमाउंट ही नहीं दे रखा है। फिर इसी प्रकार के भवन की, अब देखो इसी प्रकार के भवन की अगस्त 2005 में लागत 25,00,000 रुपये। अब आप देखो चारों पॉइंट्स को आपस में डिस्कस करें, अपन डिस्कस करते हैं, तो अब देखो दोनों पॉइंट ये वाले ख और स, ये तो क्लियर कट खत्म हो गए क्योंकि यहाँ पर कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ही नहीं है, क्लियर। दूसरा अब आप फर्स्ट और फोर्थ में देखें, फर्स्ट क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी प्रकार के व्यवसाय के नए वर्ष 2000 में 1,00,000 रुपये का भवन खरीदा, ये देखो घटना घट चुकी है, इसका आपके पास क्या होगी, प्रमाण भी होगा, है ना। और एक ये इसी प्रकार के भवन की अगस्त 2005 में लागत कितनी है, 25,00,000 है, लागत तो होगी 25,00,000 रुपये, इसका क्या प्रूफ है। तो हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, या कह सकते हो सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कि फिर मेरे लिए रिलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या कौन सी होगी, इसी प्रकार के भवन में वर्ष 2000 में 1,00,000 रुपये का भवन खरीद चुके हैं, उसका हमारे पास सूचना भी होगी, तो ये ज्यादा मेरे लिए रिलेवेंट होगी। नेक्स्ट आइए, एक सूचना
प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण कौन सा? देखो अब ये आपका सीधा सा क्वेश्चन आ गया, आपके बिल्कुल डेफिनेशन छूटा हुआ क्वेश्चन। एक सूचना प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण कौन सा होगा? इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात की, क्या होगा भाई? लेखा पुस्तकों में आंकड़ों का लेखा, ये तो पहला होता है ना। वित्तीय विवरणों के रूप में संक्षिप्तीकरण, बिल्कुल समराइजिंग का पार्ट होता है, बिल्कुल। सूचना का संप्रेषण, बिल्कुल। सूचना का विश्लेषण है उसकी व्याख्या करना। अब यहां पर आपका सबसे लास्ट वाला पार्ट क्या होगा? देखिए आप इसकी प्रोसेस में चलते हैं, आप देखें आप ये देखिए आउटपुट क्या हो रहा है। कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द यूजर, कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द यूजर, ये वाला पार्ट जो है आपका आउटपुट जो वाला पार्ट है, ये सबसे अंतिम चरण कहलाता है। तो आप इस क्वेश्चन का सीधा जवाब इसका क्या आएगा, क्या कहोगे आप? जो इंपॉर्टेंट जो आंसर है वो क्या है? सूचना का संप्रेषण होना, कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द यूजर। जब लेखांक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपने उसको ढंग से पढ़ा है तो आप इसका क्लिक आंसर दे दोगे। जब लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर दिया जाए, देखो समझें, सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर दिया, स्पष्ट रूप से हमने प्रेजेंट कर दिया सूचना को, तो लेखांकन सूचना की कौन सी, देखो ये आ गया गुणात्मक विशेषता से संबंधित क्वेश्चन, बिल्कुल ये पूछा जाता है एग्जाम क्वेश्चन, गुणात्मक विशेषता से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि हमने लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर दिया, स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का मतलब क्या हो गया? क्या तुलनीयता है, विश्वसनीयता है, सुबोधता है, प्रासंगिकता है? तो हम कहेंगे कि भाई स्पष्ट रूप से प्रेजेंट कर देने का मतलब हो गया रिलेवेंट है, रिलेवेंस है, प्रासंगिकता पाई गई है उसके अंदर। नेक्स्ट, मापने की सामान्य इकाई एवं प्रतिवेदन का साधारण प्रारूप प्रोत्साहित करता है। अब देखो मापने की सामान्य इकाई, अब कौन सी क्वालिटी ऐसी होगी लेखांकन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जो कि मापने की सामान्य इकाई को फॉलो करती है? यानी कि इस बार जो आपने यूनिट यूज की, अगली बार भी वही कर रहे हो और अगली बार भी वही करोगे, ताकि आप क्या कर सको, आपस में तुलना कर सको। तो मतलब आपके ऑप्शंस की तरफ, मतलब कह सकते हो चार ऑप्शन करने की जरूरत ही नहीं रहती जब आपको कंसेप्ट क्लियर है, तो सीधा आप बोलोगे तुल्यता की बात कर रहा है। अब नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, अब देखो ये किससे संबंधित आ रहा है? लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ता है, ये लीजिए सर, इंटरनल यूजर्स कौन कौन से? अब यहां पर देखो संभावित विनियोक्ता यानी इन्वेस्टर, इन्वेस्टर हम जानते हैं आउटसाइडर है, लेनदार क्रेडिटर या आउटसाइडर है, अब आया प्रबंधक और कर्मचारी। अब देखिए मैनेजमेंट किससे जुड़ा हुआ होता है? व्यवसाय के इंटरनल पार्ट से जुड़ा होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट से जुड़ा होता है, जिसका मैनेजमेंट पे कंट्रोल होता है। तो यहाँ सीधा क्वेश्चन जो है उत्तर क्या हो जाएगा, प्रबंधक। तो अब आप देख लीजिए इस पूरे वीडियो के अंतर्गत हमने जो है क्या चर्चाएं की है। यहाँ पर हमें एक समरी वे में कहूँ तो यहाँ हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन को ढंग से पढ़ा है, उसके नेचर के बारे में पढ़ा है, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा है, उसकी यूटिलिटी के बारे में पढ़ा है, शाखा है ब्रांचेस के बारे में पढ़ा है, और उसकी क्वालिटेटिव जो करेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में पढ़ा है, और कुछ क्वेश्चन हमने देखे हैं जिससे स्पष्ट होता है कि ये जो सारा हमने पढ़ा है इससे संबंधित क्वेश्चन कहाँ से उठ सकते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन उठ सकते हैं। ठीक है, तो हम इस लेक्चर के अंतर्गत इतनी ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे की जो पार्ट है उसको कंसिडर करेंगे। यहाँ तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना, और यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आप चैट बॉक्स के अंतर्गत आप क्वेश्चन डालें मेरे से, हम बात करेंगे उसके ऊपर, डिस्कशन करेंगे, आपकी बातों को ध्यान में दिया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चर्चा करेंगे, यहाँ तक बस, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।